कैथल ब्रेकिंग टीवी से मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंडर ब्रिज जो 2016 में बनाया गया था। इस समय हम मौजूद हैं फाटक से सटे पुल के पास, यानी कि अंडर ब्रिज जो 2016 में इसका निर्माण हुआ था। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अंडर ब्रिज का जो हाल है। मैं फिलहाल यात्रियों से बात करवाना चाहूँगा, जो वाहन चालक है, जो इस समय किन स्थितियों से गुजर करके आए हैं, जी नाम जानना चाहूँगा। अंडर ब्रिज के नीचे काफ़ी मात्रा में पानी है और एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, खड्डे भी हैं, इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जी, हम आज हमारे आने का मकसद यही है कि जो हर कभी भी बारिश होती है तो यहाँ पे दो दो फुट पानी जो है भर जाता था, और अब यहाँ से जो गुजरेंगे, गुजरने के बाद इनको मालूम होगा कि यहाँ से किस तरह से गुजरते हैं। जी आइए, हम बातचीत करना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर आपको और वाहन चालक दिखाएँगे जो इस समय अंडर ब्रिज के नीचे से जो इस समय जा रहे हैं, अंडरपास से होकर के जो गुजर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जतिन। जतिन, कैसे उतर करके आए, कैसे आए? मोड़ के आए हैं वापिस। वापिस आप जा नहीं पाए? नहीं जा नहीं। इसको उधर जाना था आपने, लेकिन उस तरफ आप जा नहीं पाए, अब वापिस आप पुल के ऊपर से होकर के गुजर कर जाओगे। जी सही बोला जी। अभी आपको चरमराती व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे और प्रशासन का थोड़ा सा हम ध्यान खोलना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो समस्या जो ज्यों की त्यों बनी हुई है, ये समस्या विधायक जी तक पहुंचे। जी हम बातचीत करना चाहेंगे। और जी नमस्कार सर, कैसे हो जी? ठीक हो? तो आप यहाँ से कैसे होकर के गुजर के आए? पानी कितना फुट था? देख ले बस पानी का। अधिकारी है, बोलने से बच रहे हैं और बोलने से बचना भी चाहिए। जी अभी आप देख सकते हो ये व्यवस्था, चरमराती व्यवस्था किस तरह से होकर के गुजरेगा, पता नहीं चलता पानी भरा हुआ है कि खड्डा कहाँ है। अकेला बंदा, नौजवान बंदा तो चलो जैसे तैसे एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन कोई अपनी वाइफ माता परिवार के साथ हो तो शायद बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अचानक से खड्डा कैसे आए कुछ मालूम नहीं चलता। आप देख सकते हो किस तरह से यह समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। इस समय हम रेलवे स्टेशन के पास, इस समय अंडर पास में हम इस समय मौजूद हैं और दिखाना चाहेंगे कि जो ऊपर दर्शक भी जो है वीडियो को देखने के लिए आ चुके हैं। और अभी आप देखिएगा किस तरह से यह समस्या 2016 से जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रिज पार बहुत कॉलोनी मॉडल टाउन जखोली अड्डा, और हम भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी मात्रा में वहाँ पे लोग वास करते हैं और किस तरह से लोग आते हैं अपने अपने रिस्क पर। जी सर, नाम जानना चाहूँगा। तिलकराज अग्रवाल। तिलकराज। तिलकराज जी, तो कैसे आना जाना हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देख रहे हैं पानी तो लंबा है, पानी तो लंबा है, खड्डे सबसे बड़ी समस्या है, इसमें खड्डे हैं, खड्डे बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, खड्डे हैं इसके अंदर। अगर खड्डे ना हो फिर भी काम चलता है, खड्डे इतने हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और खड्डे कोई भरने के लिए तैयार नहीं है, खड्डे भरने के लिए जो है तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन, विधायक जी तक ये। जी आपका नाम मैं जानना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम लाजत्रय सिंगला है, मैं रेल यात्री कल्याण समिति का उपप्रधान भी हूँ, और मैंने काफ़ी बार प्रशासन से गुहार लगा चुका हूँ, और रोड सेफ्टी की जब भी मीटिंग होती है हर मीटिंग में सबसे पहले इसी चीज़ का मुद्दा उठाया जाता है। आप देखो ये थोड़ी सी बारिश में भी इतना बुरा हाल है, जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो यहाँ सुंडी तक का पानी चला जाता है, तो यहाँ इसमें दो फुट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, कहीं के तो टांग बाँह भी टूट चुकी है, सिर भी फूट चुके हैं, और प्रशासन से हर मीटिंग में आवाज़ उठाई जाती है, प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं लेता। मैं चाहता हूं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इस फर्श को ठीक किया जाए ताकि लोगों को आने जाने वाले को सुविधा मिले, और प्रशासन भी इस बात की सांस ले सके कि हाँ भाई बार बार का ये चीज़ से छुटकारा मिला। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा संजय। संजय जी, तो आप क्या कहना चाहोगे?
हमें 4 साल से लगातार यहाँ ये देखिएगा किस तरह से लोग मुड़ करके जा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ तक साहस नहीं दिखाया आने का। जी बताइए। 2016 से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर मैं माफ़ी चाहूँगा सर, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लाइव दृश्य आप देख रहे हो, कहाँ पे खड्डे, पानी भरा हुआ है, किन मुश्किलों का सामना, कैसे कैसे रिस्क पर यहाँ पर आ रहे हैं, अंडर पास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कोई सुविधा नहीं है अंडरग्राउंड पास की, इसकी सुविधा होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए यहाँ से। जितनी बार भी आते हैं आने जाने में दिक्कत होती है साधनों को, आने जाने में दिक्कत होती है, यहीं पर रहने वालों को थोड़ा सा हिसाब किताब होगा। जी सर अब अपनी बात आप विस्तार से रखिएगा, अब मैं आप में बीच में नहीं रोकूंगा जी। 2016 से हम इसी प्रयास में हैं कि यहाँ पर जितने भी सड़क पे खड्डे हैं, 2-2 फुट के खड्डे हैं, इस खड्डों को भरा जाए, क्योंकि यहाँ क्या है कि बच्चे सारे कॉलेज सारे स्कूल सड़क इसके पार हैं, तो बच्चे हर समय आना जाना, आईटी में बच्चे जाते हैं, उधर से उधर कॉलेज में बच्चे जाते हैं, तो बच्चों का आना जाना आर से पार पार से लगा रहता है। लेकिन इतने बड़े खड्डे हैं जिसका कभी भी कोई समाधान नहीं हो सका। हम पूरे 4 सालों से बार बार यही बात दोहराते हैं, यही बात डीसी आगे भी पेश करते हैं, एसपी के आगे भी गए हैं, डीसी के पास भी गए हैं और भी कई जगह गए हैं, तो उनको बार बार चेताया है भी ऐसे हर जब भी बरसात आती है यहाँ बहुत पानी भर जाता है और खड्डों की वजह से लोग गिरते हैं, पानी में खड्डे दिखते नहीं हैं और बार बार गिरते हैं और वो चोट खाते हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कभी इसमें कोई रिपेयर नहीं हुई, कभी इसका कोई पानी नहीं निकाला गया। पानी बहुत 4-5 दिन कहने के बाद फिर एक दिन निकालेंगे, उसका दोबारा पानी भर जाएगा, फिर कोई देखने नहीं आएगा जी, उनको देखने के लिए नहीं आएगा। 2016 से ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है और समस्या की तरफ हमने ध्यान खींचने की कोशिश की। आप देखना चाहेंगे कि जो किन का ध्यान जाएगा किन का ध्यान नहीं जाएगा और ध्यान आने के बाद क्या फैसला या क्या इस समस्या को ख़त्म कर पाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मैं हूं सनी प्रजापति।